उत्तराखंड में ईगास का पर्व बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली के ठीक 11 दिन बाद उत्तराखंड में ये पर्व मनाया जाता है। इसकी वजह ये होती है कि ऐसा मान्यता है कि जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम रावण का वध करके लंका लौटे थे तो ये सूचना उत्तराखंड तक पहुंचने में 11 दिन का वक्त लग गया था। ऐसे में ईगास यानी बूढ़ी दीपावली का पर्व यहाँ विशेष तौर पर मनाया जाता है। मुख्यमंत्री आवास की सजावट आपको दिखाता हूँ, किस तरह से मुख्यमंत्री का आवास सजाया गया है। आज उस दिन सजाया गया है जब टनल से 41 मजदूर बाहर निकल के आ चुके हैं और इस वक्त देख सकते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन सभी जो श्रमिक हैं उनके परिजनों का यहां पर स्वागत कर रहे हैं। तैयारी की गई थी कि जब ये श्रमिक यहां आएंगे तो इन्हीं के साथ में जो ईगास का पर्व है उसको धूमधाम से मनाया जाएगा। गौरतलब ये है कि मुख्यमंत्री ने जिस दिन ये पर्व होता है उस दिन इसे ना मनाने की घोषणा की थी। इसके पीछे वजह यही थी कि टनल में श्रमिक फंसे हुए थे और बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर जो कार्यक्रम होता था उसमें शरीक ना होने की घोषणा की थी। लेकिन आज वो दिन आ गया है जब मुख्यमंत्री खुद ईगास का पर्व मना रहे हैं और उनके साथ में जो 41 श्रमिक हैं उनके परिजन यहां पर लाए गए हैं जिनके साथ में इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाएगा। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। चारों ओर ये जो हर तरफ आप देखिए उत्सव है, धूमधाम है, रंग है, फूल है, उत्साह है, उमंग है, हर तरफ खुशियाँ नजर आएंगी क्योंकि आज ईगास का पर्व यहाँ मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रमिकों के परिजन हैं अब उनको लेकर के मुख्यमंत्री आगे की ओर बढ़ रहे हैं और उन्हीं के साथ में ये पर्व मनाने की घोषणा की थी। क्योंकि लंबे समय से ये सारे के सारे जो श्रमिक थे वो फंसे हुए थे, ऐसे में उनके परिजन भी बहुत परेशान थे और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री ने ये तय किया था कि वो ईगास का पर्व जो उनके आवास पर बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता था उसको इस बार वो सेलिब्रेट नहीं करेंगे। एक सामान्य औपचारिकता करते हुए यहाँ कार्यक्रम जरूर किया गया था लेकिन मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में शरीक नहीं हुए थे। उन्होंने लगातार उत्तरकाशी में डेरा डाले रखा लेकिन अब जब सारे श्रमिक निकल चुके हैं तो ऐसे में उन श्रमिकों के परिजनों के साथ में आज ईगास का उत्सव मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री सभी का स्वागत कर रहे हैं, उनको फूल माला पहना रहे हैं और उनको जो वस्त्र हैं अंगवस्त्र हैं वो अभी भेंट किया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा। तो इस तरह के जो तस्वीर है वो लगातार मुख्यमंत्री आवास में देखने को मिल रही है। पूरा जो मुख्यमंत्री का आवास है बहुत ही खूबसूरत तरीके से रंग बिरंगी झालरों से, दियों से, दीपों से, फूलों से सजाया गया है। और यहाँ देखिए उत्तराखंड के जो लोकगीत हैं, जो वाद्यंत्र हैं, जो यहाँ की संस्कृति है उसकी मैं तस्वीर अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा दिखाएं किस तरह से जो उत्तराखंड के लोकगीत गाने वाले लोग यहाँ लगातार मौजूद हैं वो शाम से ही लगातार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने रंग बिरंगे कपड़ों में ये सारे के सारे जो कलाकार हैं यहाँ पर आए हुए हैं और आज जो पूरा मुख्यमंत्री का आवास है वो खुशियों से झूम रहा है क्योंकि 17 दिन तक ये संघर्ष यहाँ लगातार चला। 17 दिन तक टनल से मजदूरों को बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलता रहा और आज 18वां दिन है और आज 18वें दिन के मौके पर यहाँ ईगास यानी बूढ़ी दीपावली का जो उत्सव है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है पूरे धूमधाम के साथ, पूरे रंग के साथ में, पूरे उत्साह के साथ में। आप देख सकते हैं ये जो उत्तराखंड के लोक गीत हैं वो उनकी प्रस्तुति यहाँ पर लगातार दी जा रही है। ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें मुख्यमंत्री आवास की हैं और पहले ही मुख्यमंत्री ने चूंकि तय किया था कि वो ईगास का पर्व हो या छठ का पर्व हो, कोई भी पर्व हो, वो तभी उसको मनाएंगे जब ये 41 श्रमिक उस टनल से निकल आएंगे जिसमें वो 17 दिन तक लगातार कैद रहे।